जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल कंसल्टेंट बाबर अनवर। बात करना चाह रहा था यूएसए वेवर प्रोग्राम, इंटरव्यू वेवर प्रोग्राम जो इन लोगों ने अभी पाकिस्तान के लिए भी अनाउंस किया और मुल्कों के लिए भी किया है, तो इसको लेकर लोगों के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, बहुत से लोग इसको समझ नहीं पा रहे, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देख लें, इसमें कुछ बारीकियां हैं, तो अगर आप उसको समझ लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, सपोर्टिव हो सकता है, तो इसलिए इसको कंटिन्यू देख लीजिएगा। अच्छा, इसको हम पहले ये देखते हैं कि वेवर प्रोग्राम इन्होंने जनरेट किस लिए किया है, ये इन्होंने ऑफर किया क्यों है, एक तरह से फेवर है। तो ये इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि इनके पास काउंसलर लोड है, जाहिर सी बात है, जो बैकलॉग आया था कोविड की वजह से, तो बहुत ज्यादा इनके पास ट्रैफिक है, रिन्यूअल का भी ट्रैफिक है, फ्रेश केसेस का भी ट्रैफिक है, स्टूडेंट वीजाज, मेडिकल केसेस, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको ये लोग कवर नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने वेवर प्रोग्राम उन लोगों के लिए ऑफर किया है। अब इसकी एलिजिबिलिटी किस तरह से, इसमें थोड़ी सी चीजें हैं वो समझ लीजिएगा। वो एप्लीकेंट जो 45 इयर्स ऑफ एज से ऊपर हैं, 45 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है और उनको पहले कभी B1 B2 वीजा यूएसए की तरफ से ग्रांट हुआ था, दो शर्त हो गई। तीसरी शर्त ये कि आप लाइफ में कभी रिफ्यूज ना हुए हों, और चौथी शर्त ये कि लास्ट आपको जो यूएसए B1 B2 कैटेगरी मिला था, आप उसी लोकेशन से दोबारा अप्लाई कर रहे हैं जिससे पहले किया था। तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत समझ लीजिएगा क्योंकि लोगों को इसके अंदर कंफ्यूजन है। अब हम इसको ऐसे देख लेते हैं कि जिन लोगों ने इंटरव्यू डेट ली हुई थी ये वेवर प्रोग्राम अनाउंस होने से पहले, अब वो किस तरह से वेवर लेटर अपना जनरेट कर सकते हैं, या वो लोग जिन्होंने अभी फीस पे की है वो लोग अपना वेवर प्रोग्राम लेटर किस तरह से कॉन्फर्मेशन लेटर जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको ड्रॉप बॉक्स में वीजा सबमिट करना होता है तो आपको चार चीजें सबमिट करनी होती है वहां पर लाजमी। एक तो आपका वेवर प्रोग्राम लेटर होता है जिसमें कंफर्मेशन होती है कि आपको एलिजिबिलिटी कर दी गई है, अब आप इस लेटर का प्रिंट निकालें और ड्रॉप बॉक्स में सबमिट कर दें। ये वाला लेटर आपने लगाना है, ओरिजिनल पासपोर्ट आपने लगाना है, एक पिक्चर 2x2 व्हाइट बैकग्राउंड जो इनका फॉर्मेट है यूएस कॉन्सुलेट का वो आपने देना है, प्लस आपने एक DS-160 फॉर्म, यानी कि जो आपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका DS-160 का जो पेज होता है बारकोड वाला वो आपने देना है, प्लस जो आपने फीस सबमिट की है, फी MRV जिसको ये लोग कहते हैं, फी सबमिशन का जो आपका रिसीट होगा वो भी आपने सबमिट करना है। ये पांच चीजें आपने ड्रॉप बॉक्स में देना है अगर आप एलिजिबल हो तो। अब एलिजिबिलिटी के अंदर लोगों के अंदर कंफ्यूजन क्या आ रहा है कि लेट्स से कि एक फैमिली है जिसमें हस्बैंड है जो 45 प्लस है, वाइफ है जो 45 के अंदर है, फिर उनके किड्स हैं इसी तरह से, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग 12 साल 16 साल 18 साल 19 साल इस तरह से मिसाल के तौर पे है। तो अब वो ये बोलते हैं कि भाई 45 प्लस पे हेड ऑफ फैमिली है तो क्या बाकी लोगों को वेवर मिलेगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन आपके पास आ गए, 45 प्लस वाले जो साहब हैं वो अपना वेवर प्रोग्राम में सेपरेट कर सकते हैं और बाकियों की फीस सेम चलान आप पर डिवाइड हो जाएगा, उन लोगों को एक अपॉइंटमेंट लेना होगा और कॉन्सुलेट में इन पर्सन अपियर होना होगा जो कि रेगुलर फॉर्मेट है। अब ये साहब कहते हैं कि हमारी पूरी फैमिली के पास वीजा थे, तो बिल्कुल ठीक है आपके पास बिल्कुल थे, लेकिन वो लोग एलिजिबल नहीं है, सिर्फ आप एलिजिबल हैं क्योंकि आपके पास पहले वीजा था, आप करंट सेम लोकेशन पर हैं और आप 45 इयर्स से ज्यादा हैं। तो इसमें ऐसा है कि जाहिर सी बात है हेड ऑफ फैमिली जो होता है, एप्लीकेंट होता है, वही अपने डॉक्यूमेंट दे रहा होता है, वही कन्विंसन बात कर सकता है, कन्विंस कर सकता है काउंसलर को, तो वो ये नहीं चाहता कि मैं अपनी वाइफ और बच्चों को अलग से अकेले काउंसलेट भेजूं क्योंकि आप वहां पर फिर नहीं जा सकते हो। तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन मौजूद है, आप अपने तौर पर वेवर प्रोग्राम के अंदर आप ले सकते हो और फैमिली को अलहदा भेज सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सब एक साथ कॉन्सुलेट में अपियर होगे जिस तरह से जो रेगुलर फॉर्मेट है, जो भी आप अपॉइंटमेंट लेते हैं आप उसको मैक्सिमम 3 बार रीशेड्यूल कर सकते हो, आप अपना मिशन भी चेंज कर सकते हो। पहले आपने इस्लामाबाद लॉक किया था आपको वहां की डेट मिल रही थी, अब आप कराची पर शिफ्ट करना चाहते हो तो ये बिल्कुल पॉसिबल, लेकिन मैक्सिमम 3 बार ऐसा किया जा सकता है। तीसरी बार से पहले ही कैंसिल करने से पहले वो आपको एक वार्निंग नोटिस देता है कि आप ये वाला आप लास्ट अटेम्प्ट ले रहे हो, अगर आपने इसके बाद कैंसिल करने की कोशिश की तो आपके पास ऑप्शन रीशेड्यूल का ऑप्शन नहीं होगा, फिर आपको अगर जो भी डेट मिलेगी उसी पे जाना होगा, या फिर आपको अगर जल्दी होगी तो आप दोबारा से फीस पे करोगे, ये वाली फीस आपकी जाया हो जाएगी। रीशेड्यूल करते वक्त बहुत थॉरली उसको देख लिया कीजिए कि आपके पास अपॉइंटमेंट हिस्ट्री में अटेम्प्ट्स कितनी बाकी हैं, इस चीज को जरूर देख लिया कीजिए। अब लोग कंफ्यूज ये हैं कि हम अपॉइंटमेंट लेटर कंफर्मेशन जो है वेवर लेटर जो है उसको किस तरह से जनरेट कर सकते हैं।
तो पहले हम बात कर लेते हैं जिन लोगों ने अभी रिसेंटली फीस भरी है और उनकी एलिजिबिलिटी भी है और उसका ये वेवर प्रोग्राम अनाउंस हो गया है, तो वो सिंपली अपना लॉगिन करेगा। वहां पर जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि आप कौन से मिशन को चूज करना चाहते हैं, कराची कॉन्सुलेट या इस्लामाबाद एम्बेसी, उसके बाद वो आपसे सवाल करता है क्या आपके पास पहले कभी वीजा था, आपकी एज 14 साल से कम है, आपकी एज 80 साल से ऊपर है, आपकी एज 45 इयर्स से ऊपर है। जैसे ही आप उसको यस 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 करके आगे बढ़ते हैं, फिर वो आपसे पूछता है कि जिस करेक्ट लोकेशन पे अभी आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आपने पहले भी वहीं से लिया था, क्या आपके पास DS-160 वगैरह ये सारी चीजें, MRV वगैरह सब चीजें आपसे पूछवाएगा। लाइफ में आप कभी रिफ्यूज नहीं, आप उसको भी यस करते हो तो वो आपको एक कॉन्ग्रेट्स का एक क्वेश्चन देता है, मतलब एक विंडो ओपन होती है, पॉपअप होती है, उस पर मेंशन हुआ होता है कॉन्ग्रेट्स, और वहां पे ही आपके पास एक PDF में फॉर्मेट में वेवर लेटर आ जाता है, उसको आपने प्रिंट करना है, पासपोर्ट, एक तस्वीर, MRV, फीस चलान, DS-160 का पेज प्रिंट आउट कर आपने ड्रॉप बॉक्स में सबमिट करना है। मंडे टू फ्राइडे डेली सबमिशन होती है, सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक इनका ऑफिस खुला होता है। अमेरिकन एक्सप्रेस AEG ट्रेवल सर्विसेज है, कराची में ये इनका ड्रॉप बॉक्स है, वहां पर आपने जाके सबमिट करना होता है। अब वो लोग जिन्होंने पहले अपॉइंटमेंट लिया हुआ तो वो कंफ्यूज होते हैं कि यार अब हम अपना जनरेट किस तरह से कर सकते हैं वेवर लेटर को। तो आपको करना ये होगा कि जो भी आपने डेट ली हुई, लेट से कि आपको अगस्त या सितंबर 23 की डेट मिली हुई है और आपने उसको शेड्यूल करके छोड़ा हुआ है, अब आप करेंगे उस अपॉइंटमेंट को कैंसिल। जैसे ही आप उसको कैंसिल करेंगे, आपके पास फिर से एक लेफ्ट पे बॉर्डर पे जो कंटिन्यू का ऑप्शन होता है, कंटिन्यू करना होगा न्यू, जिस तरह से आप एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए जाते हैं इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे, उसके सारे सवालों के जवाब देंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, आपको खुद ही पहले से बात पता है, तो आपने सारी चीजों को यस यस किया, वो आपको आपका वेवर लेटर निकाल कर दे देगा, उसको प्रिंट आउट करेंगे, बाकी चीजों के साथ आप ड्रॉप बॉक्स में सबमिट कर देंगे। इन केस अगर आपने वहां पे कोई गलत आंसर दे दिया, मिसाल के तौर पे वो आपसे पूछता है लेट से कि आपके पास पहले वीजा था और आपने उस पर ट्रेवल नहीं किया, ठीक है, तो अब इसके अंदर होता ही है, आपने उसको यस यस करके वो आपसे पूछता है कि जब आप लैंड हुए थे तो आपके साथ ये जो भी आपके सवाल आते हैं, आपने उसको यस यस करके अपना वेवर लेटर निकाल लिया, आप सारी चीजों के साथ जाके ड्रॉप बॉक्स में सबमिट कर देते हैं, तो ड्रॉप बॉक्स के अंदर अब आपकी एलिजिबिलिटी, उसने आप सिस्टम जनरेटेड तो लेटर मिल गया लेकिन टेक्निकली आप अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं थे क्योंकि आपने अपने वीजा के ऊपर कभी सफर नहीं किया। तो ऐसी सूरत में आपको या तो कॉन्सुलेट से कॉल आएगी या फिर आपके उसी डोमेन ईमेल के ऊपर जिससे भी आपने अपना अपॉइंटमेंट लेना था वहां पर एक ईमेल आ जाएगी कि जनाब आप जो है हमने आपको रिव्यू कर लिया एप्लीकेशन को, थैंक्स कि आपने ड्रॉप बॉक्स में सबमिट कर दिया, लेकिन आपको हम इन पर्सन अपियर करवाना चाहते हैं, कॉन्सुलेट या एम्बेसी में आपने खुद से आना होगा और आकर हमसे इंटरव्यू देना होगा, उस सूरत में हम आपको वीजा देना चाहे ना देना चाहे वो वहां पे आपको मेंशन करेगा, प्लस इसी के अंदर वो आपको डेट और टाइम मेंशन कर देगा कि इस डेट को इस टाइम के ऊपर आपने कॉन्सुलेट में आना है और हमें आपने इंटरव्यू पे हमने आपको बुलाया है तो आपको आना लाजमी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये कि डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच चुके लेकिन आपकी ड्रॉप बॉक्स एलिजिबिलिटी नहीं थी या किसी भी सूरत में वो आपको इन पर्सन अपियर करवाना चाहे 100 में 1 केस को हो जाता है तो आपको जाना पड़ेगा, इसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अब वो लोग जिन्होंने पूरी फैमिली के लिए लिया हुआ था और वो चाहते हैं कि मैं एलिजिबल हूं, 45+ हूं, पहले मेरे पास B1 B2 था और मैं सेम लोकेशन पर मौजूद हूं, तो अब आपको इसी तरह से अपना अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद आपको उसके अंदर उनको कॉल करना पड़ेगा जो इनका कॉल सेंटर का नंबर है, क्योंकि आपने एक ही फीस चालान के ऊपर 6 लोगों का मिसाल के तौर पे फीस भरा हुआ है, अब एक एलिजिबल है बाकी 5 नहीं है, तो आप उस कॉल सेंटर पे फोन करते हो, वो आपका डोमेन उसमें से सेपरेट करेगा, 5 को सेपरेट करेगा, 24 घंटे का मैक्सिमम टाइम मांगते हैं, आपका एक दूसरे उसके ऊपर हो जाएगा जिससे आप वेवर लेटर निकाल लोगे, बाकी फैमिली मेंबर्स का एक दूसरे उसके ऊपर हो जाएगा जिससे आप अपना अपॉइंटमेंट जिस तरह से भी शेड्यूल करते हो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लोग इसको लेके परेशान हो रहे हैं, मुझसे बार बार पूछ रहे होते हैं, रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन आ रहा होता है, इस वजह से मैंने सोचा छोटी सी वीडियो बना दूं। वीडियो हेल्पफुल है तो आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को ट्रैवल अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।